ये वो सआदतमंद लोग हैं जो अपने नशोनुमा देने वालों वाले के कानून रबूबियत की रहनुमाई में सफ़र ज़िंदगी तय किए जाते हैं, और यही वो लोग हैं जिनकी खेतियां आखरुल अमर परवान चढ़ती हैं। ये वो सआदतमंद लोग हैं जो अपने नशोनुमा देने वाले के कानून रबूबियत की रहनुमाई में सफ़र ज़िंदगी तय किए जाते हैं, और यही वो लोग हैं जिनकी खेतियां आखरुल अमर परवान चढ़ती हैं। ये गिरोह उन लोगों का है जो गलत रविश ज़िंदगी के तबाहकुन नतायज से बचना चाहते हैं, और उनकी आरज़ू ये होती है कि सही रास्ता उनके सामने आ जाए। उनके बरक्स दूसरा गिरोह उन लोगों का है कि ज़िंदगी का सही रास्ता नुमाया तौर पर उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो ज़िद्द, हसद, तकबर, सरशी और अपनी मफाद परस्तियों की बिना पर उसे अख्तियार नहीं करते। वो ख़ुद भी इस रास्ते पर नहीं चलते और दूसरों को भी इस पर चलने से रोकते हैं। इन लोगों को इनके इस रविश की तबाहकुन नतायज से आगाह किया जाए या ना किया जाए, इनके लिए बराबर है। ये सही रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेंगे। जो शख्स खुदकुशी पर तुला बैठा हो, उससे क्या कहना, संख्या मोहलक होता है, इससे बचना बेसूद होता है। ऐसी नसीहत उसी के लिए नफा बख्श हो सकती है जो जिंदा रहना चाहिए चाहे। एक बार फिर, ये गिरोह उन लोगों का है जो गलत रविश ज़िंदगी के तबाहकुन नतायज से बचना चाहते हैं, और उनकी आरज़ू ये होती है कि सही रास्ता उनके सामने आ जाए। उनके बरक्स दूसरा गिरोह उन लोगों का है कि ज़िंदगी का सही रास्ता नुमाया तौर पर उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो ज़िद्द, हसद, तकबर, सरशी और अपनी मफाद परस्तियों की बिना पर उसे अख्तियार नहीं करते। ये गिरोह उन लोगों का है जो गलत रवि ज़िंदगी के तबाहकुन नतायज से बचना चाहते हैं, और उनकी आरज़ू ये होती है कि सही रास्ता उनके सामने आ जाए। उनके बरक्स दूसरा गिरोह उन लोगों का है कि ज़िंदगी का सही रास्ता नुमाया तौर पर उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो ज़िद्द, हसद, तकबर, सरशे और अपनी मफाद परस्तियों की बिना पर उसे अख्तियार नहीं करते। वो जो भी इस रास्ते पर नहीं चलते, वो ख़ुद भी इस रास्ते पर नहीं चलते और दूसरों को भी इस पर चलने से रोकते हैं। इन लोगों का इनकी इस रविश के तबाहकुन नतायज से आगाह किया जाए या ना किया जाए, इनके लिए बराबर है। ये सही रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेंगे। जो शख्स खुद कुशी पर तुला बैठा हो, उससे ये कहना, संख्या मोहलिक होता है, इससे बचना बेसूद होता है। ऐसी नसीहत उसी के लिए नफा बख्श हो सकती है जो जिंदा रहना चाहे। उन लोगों की इस रविश का नतीजा ये होता है कि इनमें देखने, भालने और समझने, सोचने की सलाहियत ही बाकी नहीं रहती। जिस तरह गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, उनकी आंखों पर जज्बात परस्ती के ऐसी गहरे प्रोसे पड़ जाते हैं कि वो निशानात राह को देख ही नहीं सकते। इनके कानों में ऐसे डांट लग जाते हैं कि वो आवाज़ जर से भी कारवां का सुराग नहीं पा सकते। इसके कल्ब व दिमाग पर इस किस्म के गिलाफ चढ़ जाते हैं कि वो गर्द व पेश पर गौर करने से भी सही सिमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये सब इनके अपने अमाल का नतीजा होता है। जो खुदा के कानून मकाफात अमल के मुताबिक मुरतब होता है, ये लोग इस तरह अपने आप को ज़िंदगी की हकीकी शेरीनियों से महरूम कर लेते हैं और तबाही और बर्बादी के जहन्नुम में गिर जाते हैं। किस कदम आलम अंगेज है इनका ये अंजाम। ये दो ग्रुप तो वो हैं जो या खुले बंदों हकीकत का इकरार करते हैं या खुले बंदों उससे इनकार करते हैं।
तीसरा ग्रोह उन लोगों का है जो जबान से तो कहते हैं कि हम इस जाब्ते खुदाबंदी की सदाकतों पर यकीन रखते हैं और कानून मुकाफात और आखिरी जिंदगी पर हमारा ईमान है, लेकिन वो दर हकीकत इन पर ईमान नहीं रखते। ये लोग सतही जज्बात परस्त होते हैं और या इब्नुल वक्त और मौका परस्त, इसलिए इन लोगों की रफाकत पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग निज़ाम खुदावंदी और उसके कायम करने वाली जमात मोमिनीन से दोजखी चालें चलते हैं और बज़्म ख़विश समझते हैं कि हम इन्हें फरेब दे रहे हैं। हालांकि अगर ये अक्ल और शऊर से काम लेते तो इन पर हकीकत वाज़े हो जाती कि वो खुद अपने आप को फरेब में रख रहे हैं। इस किस्म के जज्बात परस्ताना और फरेब कराना ज़िंदगी का नतीजा ये होता है कि इनके कल्ब व दिमाग सेहतमंदाना तवाज़ुन खो बैठता है। और खुदा का कानून ये है कि गैर मुतवज़न जहन जिस कदर मसरूफ़ कार रहेगा उसी कदर उसका तवाज़ुन और बिगड़ता जाएगा। इस रविश को निभाने के लिए उन्हें कदम कदम पर झूठ बोलना और हर मौके पर नया बहरूप बदलना पड़ता है। अंदाज़ा लगाओ कि इससे इनकी जान किस कदर आलम अंगेज अजाब में मुब्तला रहती है। एक बार फिर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस किस्म के जज्बात परस्ताना और फरेब काराना ज़िंदगी का नतीजा ये होता है कि इनका कल्ब व दिमाग सेहतमंदाना तवाज़ुन खो बैठता है। और खुदा का कानून ये है कि गैर मुतवज़्ज़न जहन जिस कदर मसरूफ़ कार रहेगा उसी कदर उसका तवाज़ुन और बिगड़ता जाएगा। इस रविश को निभाने के लिए उन्हें कदम कदम पर झूठ बोलना और हर मौके पर नया बहरूप बदलना पड़ता है। अंदाज़ा लगाओ कि इससे इनकी जान किस कदर आलमंगेज़ अजाब में मुब्तला रहती है। जब इनसे कहा जाता है कि ना हमवारियां पैदा करके माशरे के निज़ाम को तबाह मत करो तो ये नहायत झटाई से कहते हैं कि हम माशरे को बिगाड़ते कब हैं। हम तो उसे संवारने वाले मुसलहीन हैं। याद रखो, यही लोग तबाहकारियां और नाहमवारियां पैदा करने वाले हैं, इसलिए कि जिनकी अपनी दाखली ज़िंदगी में हमवारियां ना हो वो माशरे में किस तरह हमवारियां पैदा कर सकते हैं। हैरत है कि ये लोग इसका भी एहसास नहीं करते कि इनके कॉल और फेल का ये तजाद इनकी असल और हकीकत को किस तरह बेनकाब कर देता है। एक बार फिर, हम तो इसे संवारने वाले मुसलहीन हैं। याद रखो, यही लोग तबाहकारियां और नाहमवारियां पैदा करने वाले हैं, इसलिए कि जिनकी अपनी दाखली ज़िंदगी में हमवारियां ना हो वो माशरे में किस तरह हमवारियां पैदा कर सकते हैं। हैरत है कि ये लोग इसका भी एहसास नहीं करते कि इनके कॉल और फेल का ये तजाद इनकी असल और हकीकत को किस तरह बेनकाब कर देता है। जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी इस जाब्ते ज़िंदगी को उसी तरह मानो और अख्तियार करो जिस तरह जमात मोमिनीन के अफराद इसे सही तस्लीम करते और इसके मुताबिक चलते हैं, तो ये इसके जवाब में कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ हैं जिन्हें अपने नफ़ा नुकसान का भी ख्याल नहीं और मुफ्त हाथ आ जाने वाले फ़ायदे को छोड़कर असूल परस्ती के पीछे पड़े हुए हैं। क्या हम भी इन्हीं जैसे अहमक बन जाएं? याद रखो, नफा नुकसान बेखबर और अहमक खुद ये लोग हैं जो इतनी सी बात भी नहीं समझते कि आरजी मुफाद की खातिर मुस्तकिल मुनाफे को छोड़ देना अच्छी तिजारत नहीं कहला सकती। एक बार फिर याद रखो, नफा नुकसान से बेखबर और अहमक खुद ये लोग हैं जो इतनी सी बात भी नहीं समझते कि आरजी मफाद की खातिर मुस्तकिल मुनाफे को छोड़ देना अच्छी तिजारत नहीं कहला सकती। इनके
रुखी जिंदगी का ये आलम है कि जब ये उन लोगों के सामने आते हैं जो इस जाब्ता खुदावंदी को अख्तियार किए हुए हैं, तो उनसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह इसकी सदाकत पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब ये अपनी पार्टी के सरगनों से तन्हाई में मिलते हैं तो इनसे कहते हैं कि हम अंदर से तो तुम्हारे ही साथ हैं। सिर्फ जाहिर तौर पर इन लोगों से मिलते और इन्हें बेवकूफ़ बनाकर इनका मजाक उड़ाते हैं। एक बार फिर, इनके दोरुखी जिंदगी का ये आलम है कि जब ये उन लोगों के सामने आते हैं जो इस जाब्ते खुदावंदी को इख्तियार किए हुए हैं, तो उनसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह इसकी सदाकत पर ईमान रखते हैं, लेकिन जब ये अपनी पार्टी के सरगनों से तन्हाई में मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम अंदर से तो तुम्हारे ही साथ हैं। सिर्फ जाहिर तौर पर इन लोगों से मिलते और इन्हें बेवकूफ़ बनाकर इनका मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐ काश ये इसका अंदाज़ा कर सकते कि ये दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका मजाक क्या उड़ाएंगे। खुदा के कानून मकाफात की रूह से हकायक की दुनिया में खुद अपना मजाक उड़ाते हैं। ये लोग अपनी कुव्वत और इक्तदार के नशे में बदमस्त होकर गलत रास्ते पर चढ़ जाते हैं और फिर हैरान और सरगर्दां मारे मारे फिरते हैं और जूं जूं आगे बढ़ते हैं मंजिल से दूर होते चले जाते हैं। ये लोग अपने आप को बड़ा अकलमंद समझते हैं कि दूसरों को धोखा देकर नाजायज फायदा हासिल कर रहे हैं और खुश हैं कि हमारा कारोबार बड़ा नफा बख्श है। हालांकि हकीकत यह है कि इन जैसा नादान ही कोई नहीं कि इन्होंने ज़िंदगी की सही रविश के बदले में गलत रास्ते खरीद लिया है। इनकी ये तिजारत कभी नफा बख्श साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि ये गलत रास्ते पर चलकर ज़िंदगी की मंजिल मकसूद तक कभी नहीं पहुंच सकते। इन आर्जी और आज उजला मुफाद के पीछे फिरने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स जंगल की तारीख रात में रास्ता मालूम करने के लिए आग सुलगाए जिससे उसकी इर्द गिर्द की फिजा रोशन हो जाए, लेकिन उसके फौरी बाद आग बुझ जाए और इस तरह खुदा का कानून उसे तारीकियों में इस तरह छोड़ दे के उसे कुछ दिखाई ना दे। यानी मुफाद आजला की ताबंदकियां एक दफा तक तो निगाहों में चकाचून पैदा कर देती हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा अंधेरा छा जाता है कि इसमें सिर्फ निगाहें ही बेकार नहीं होती बल्कि सूझबूझ के तमाम रास्ते मस्तूद हो जाते हैं और इंसान बहरा, गूंगा और अंधा यानी अक्ल व फिक्र से आरी और जज्बात से मغلوب होकर नफा और नुकसान की तमीज से महरूम हो जाता है और उसके लिए सही रास्ते की तरफ लौटने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। सुमुन बुकमुन अमीन फहुम ला यरजिऊन, या उनकी तमदनी और माशी निज़ाम की मिसाल जो इनके खुद साख्ता कवानीन से मुरतब होता है ऐसे है जैसे वक्त पर मैना बरसाने वाला बादल, लेकिन इसके साथ घटा डूब अंधेरा, गर्ज और बिजली की चमक भी, यानी सामान जीस्त के साथ असबाब हलाकत मिले हुए। ये लोग चाहते हैं कि बारिश की मुनाफत बख्शियों से तो फ़ायदा उठा लें लेकिन रदोबर्गी तबाहकारियों से बच जाएं। इसका तरीका इनकी समझ में ये आता है कि कानों में उंगलियां ठूस ली जाएं, ना ये हैबतनाक आवाज़ें सुनाई दें, ना वो मौत के मुंह में जाएं। इन नादानों को इतना मालूम नहीं कि बिजली की तबाहकारियां कानों के रास्ते ही अंदर नहीं जाया करती, वो तो पूरी की पूरी फिज़ा में फैली हुई होती हैं। यानी ये समझते हैं कि अगर तदब्बुर की फसोसाजी से उन रखनों को बंद कर दिया जाए जिनके रास्ते उनकी दानिस्त में तबाहियां आती हैं, तो गलत निज़ाम ज़िंदगी के औकाब से महफूज रहा जा सकता है। लेकिन इनका ख्याल खाम है। खुदा का कानून मकाफात इस कौम को चारों तरफ से घेरे रहता है जो हकायक से इनकार करती है। हो सकता है कि ये लोग कड़क
के डर से कानों में उंगलियां ठूंस लें और इस तरह बज़्म में ख़विश अपने आप को इस ख़तरे से महफूज ख्याल कर लें तो बिजली की चमक इनकी बेनाई उचक कर ले जाए, यानी सामान्य जीस की फरावानी इनकी निगाहों में ऐसी खैरगी पैदा कर दे कि इनकी आंखें ख़तरे के मुकामात को भांपने के मुकाबिल ही ना रहें। या ये ख़तरे की रोकथाम का इंतज़ाम करें तो दूसरा ख़तरा किसी गैर मुतवक्का मुकाम से उभर कर इन्हें तबाह कर दे। मुख्तसरन यूँ समझो कि हमारा कानून यह है कि जो कौम भी फितरत की कुव्वतों को मुसख़्ख़र कर ले और उनसे नफायाब हो जाती है, लेकिन सिर्फ तबई ज़िंदगी का मुफाद पर निगाह रखने वालों की ये नफायाबियाँ आर्जी होती हैं और बुलंद इकतदार को सामने रखने वालों की मुस्तकिल और पायदार। अव्वल ज़िक्र की हालत यूँ समझो जैसे कोई शख्स बादलों से गहरी ही हुई तारीख रात में सहरा में राह गुम कर दा खड़ा हो, जब बिजली की चमक से ज़रा रास्ता रोशन हो जाए तो वो उसमें चार कदम चल ले, लेकिन जब फिर अंधेरा अच्छा जाए तो खड़ा का खड़ा रह जाए। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि उन लोगों के ज़राए इल्म समात व बिसारत सलब हो जाते और इस तरह उन्हें कुदरत सामान्य नशोनुमा से फ़ायदा उठाने का मौका ही ना दिया जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने हर बात के लिए अंदाजे और पैमाने मुकर्रर कर दिए और कवानीन व ज़वाबित ठहरा दिए। कायनात की कोई शय इन पैमानों से बाहर नहीं जा सकती, इन पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल है।